देश में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी। 10 जून की पहली कैबिनेट बैठक के साथ ही कामकाज भी शुरू कर दिए गए हैं। नए मंत्री अपना प्रभार ग्रहण कर रहे हैं, पुराने मंत्री अपना पुराना कामकाज ही आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा और एक विधान परिषद सीट पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। इसकी वजह है इन सीटों से विधायक अब सांसद बन चुके हैं और एक एक करके विधायकी से इस्तीफा देते जा रहे हैं। इसके बाद प्रदेश की कुल 9 विधानसभा और एक विधान परिषद सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव होगा। दरअसल प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 4 पर सपा, 3 पर बीजेपी और एक एक पर आरएलडी निषाद पार्टी के विधायक हैं। दूसरी ओर योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद विधान परिषद सदस्य हैं, जिन्हें बीजेपी ने इस बार पीलीभीत सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया और उनकी जीत भी हुई। इसके बाद उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा देते हुए मोदी सरकार 3.0 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री का पद संभाल लिया। वहीं जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, एक एक करके उनके बारे में हम आपको बताते हैं और ये भी कि वहां से कौन से नेता हैं जो अब विधायक से सांसद बन चुके हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सपा मुखिया अखिलेश यादव का, जो कि मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से विधायक थे, जिस पद से फिलहाल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब वो कन्नौज से सांसद की भूमिका में नजर आए। यानी 9 सीटों में एक सीट करहल विधानसभा सीट भी है जहां उपचुनाव होगा। दूसरे नंबर पर सपा के अवधेश प्रसाद की मुल्कीपुर विधानसभा सीट है जहां से उपचुनाव होंगे, क्योंकि अवधेश प्रसाद बीजेपी के लल्लू सिंह को हराकर फैजाबाद सीट से सांसद बन गए हैं। तीसरी सीट अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट है जहां से सपा के लालजी वर्मा विधायक हैं, लेकिन अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद अब वो सांसद की जिम्मेदारी संभालेंगे। चौथी सीट मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट है जहां से सपा के जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, जो फिलहाल संभल से सांसद बन गए हैं। जियाउर रहमान बर्क स्वर्गीय पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते। पांचवी सीट है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट जहां से बीजेपी के अनूप वाल्मीकि प्रधान विधायक थे, जो फिलहाल हाथरस लोकसभा सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। छठे नंबर पर बारी आती है गाजियाबाद विधानसभा सीट की जहां से बीजेपी के अतुल गर्ग विधायक थे, जो फिलहाल गाजियाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं। सातवें नंबर पर प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट आती है जहां से बीजेपी के प्रवीण पटेल विधायक थे, जो अब फूलपुर लोकसभा सीट से ही सांसद चुने जा चुके हैं। अगला नंबर है मीरापुर विधानसभा सीट का जहां से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक थे, जो फिलहाल एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़कर बिजनौर लोकसभा सीट से सांसद बन गए। नौवीं और आखिरी सीट जिस पर उपचुनाव होना है वो है मिर्जापुर जिले की मजुवा विधानसभा सीट जहां से निषाद पार्टी के विनोद कुमार विंद विधायक थे, जो फिलहाल बीजेपी के टिकट पर भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर सांसद बन गए। इसके अलावा कानपुर के सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी की सीट भी सजा होने के बाद खाली हो सकती है। यानी आने वाले 6 महीनों के भीतर यूपी में एक बार फिर राजनीतिक तापमान बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम न हासिल कर पाने वाली भाजपा को 6 महीने के भीतर एक और इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा, तो वहीं सपा लोकसभा में किए गए प्रदर्शन को दोबारा दोहराना चाहेगी। आपको बता दें कि नियमानुसार नेता का किसी दूसरे सदन का सदस्य निर्वाचित होने के बाद 14 दिन के भीतर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना अनिवार्य है। वहीं इस्तीफा देने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना भी जरूरी है। ऐसे में उक्त विधायक जो सांसद निर्वाचित हुए हैं वो आगामी 1-2 दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं इसके बाद चुनाव आयोग द्वारा इन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाएगी और तारीखों का भी जल्द ऐलान हो जाएगा। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनवीटी ऑनलाइन। नमस्कार।